सब लोगों की एक एहसास करते हैं और कहते रहते हैं कि पदाधिकारी बेलगाम है, पदाधिकारी हमारी सुनते नहीं, खास करके IAS अफसरों पर यह ज्यादा तोहमत लगता है। कुछ एक को यदि आप छोड़ दे तो, और मैं कह सकता हूँ कि हम सबको भी अपने लक्ष्मण रेखा को समझना चाहिए, हम सबको भी अपने अधिकार और कर्तव्य को समझना चाहिए। और ये हमें लगता है कि धीरे धीरे सारे विधायक, जनप्रतिनिधि, सांसद समझते अपनी चीजों को, लेकिन उससे कहीं अधिक जो अधिकारी है अध्यक्ष महोदय, उन अधिकारियों को जो भारत सरकार, राज्य सरकार के कार्य प्रशासनिक विभाग द्वारा जो निर्देश जारी किया गया कि भाई आपको यहाँ के विधायकों के प्रति, यहाँ के सांसदों के प्रति क्या व्यवहार रखना है, किस शालीनता से पेश होना है, हमें लगता है कि उसको कभी उन्होंने देखने का काम नहीं किया। कुछ एक को यदि छोड़ दे तो थाना है मौत, थाना में एक तो पहले बड़ा का सिस्टम हटा दीजिए, गरीब लोग जाता है थाना, बड़ा बाबू, बड़ा बाबू निकलता नहीं है घर से, दिन रात वेट करता है, गरीब का नहीं सुनता है, इसको देखने की आवश्यकता है महोदय, इस पर निकल कैसे की आवश्यकता है। और दूसरी बात मैं महोदय मैं कहना चाहता हूँ, राजा, अरे रुकिए ना भाई, राजा आपका है, राज महोदय यहाँ ट्राइबल लोगों का है, दलितों का है महोदय, आदिवासी अल्पसंख्यकों का है महोदय, ये लोग जाता है थाना, केस मालिक का मामला आ गया, थाना जाता है, थाना प्रभारी महोदय जमीन के दलाल के साथ खेल रहता है, बालू के दलाल के साथ खेल रहता है महोदय, और गरीब जनता से बात नहीं करता है। और ये लोग महोदय कहाँ से आया महोदय, पूछिएगा तो लैंग्वेज लगता है बाहर, लगता है बिहार का लैंग्वेज महोदय, उत्तर प्रदेश का लैंग्वेज लगता है महोदय। इसलिए मैं आपको बात कहूँगा महोदय कि हर थाना में कम से कम जो आदिवासी जाने, जो दलित और दलित को पहचाने, जो अल्पसंख्यक को पहचाने महोदय, हर थाना में, जिससे दिल्ली में क्या गया महोदय, दिल्ली राज्य में क्या गया, हर थाना में, और पिछड़ा महोदय OBC जो महोदय, इसकी आबादी जहाँ जहाँ है वहाँ पे उसका पोस्टिंग करने का काम करेंगे मुख्यमंत्री महोदय। विभाग की चर्चा थी तो उसमें ये बात आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सबके साथ इस तरह की बात है, लेकिन हाँ कभी कभी तो ऐसी बातें हो जाती हैं। मैंने भी पिछले दिनों फ़ोन नहीं उठाने की शिकायत की थी, लेकिन हमको लगता है पुराने सरकार में कमी रही, जिस तरह से प्रशासनिक पदाधिकारियों को बिहेव करना चाहिए उस पर बहुत जोर नहीं रहा, तो हो सकती है ऐसी बात है। और सदन के चर्चा में बात आई है तो कहीं ना कहीं सच है, तब तो ये बात आई है। पर देखिए, ये जो समस्या है ये सिर्फ नए चुने हुए लोगों के साथ नहीं है, ये जो एक ईगो की समस्या है, जो पहले से बने बैठे अधिकारी हैं या जो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं। एक ज़माना था, क्योंकि मैं भी एक अधिकारी के परिवार से आती हूँ तो मैं जानती हूँ कि प्रोटोकॉल क्या होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उसमें कमी दिखी है। मुझे भी अपने 1.5 साल, जो 1.25 साल हुआ है, उसमें दिखी है ये कमी। तो निश्चित तौर पर ये एक पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, ये सभी की बात है। और चूँकि मेरे ससुर खुद मंत्री रह चुके हैं और प्रोटोकॉल क्या होता है वो भी एक दिन इस पर बोल रहे थे कि आजकल तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है, देख के बड़ा दुख होता है ऐसा। तो निश्चित तौर पर समस्या तो है, और मुझे लगता है अधिकारियों को थोड़ा सा प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि प्रोटोकॉल क्यों बना है, वो सम्मान करने के लिए विधायिका का क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप विधायिका का सम्मान करते हैं तभी कार्यपालिका ढंग से काम करेगी। ये समन्वय बना के जो ही संविधान चलता है, तो प्रोटोकॉल से अलग हटके तो काम नहीं किया जा सकता है। और जनप्रतिनिधि लाखों लोग हमें चुनकर भेजते हैं, इसका भी सम्मान होना चाहिए। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।